और सीधे आपको रांची लिए चलते हैं, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा जन संबोधन कर रही हैं, सुनाते हैं आपको। तो मेरे ख्याल से उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बिरसा मुंडा जी की धरती है, रघुनाथ महतो की धरती है, राजा जगन्नाथ भल की धरती है, सिंधो कानो की धरती है। ये क्रांतिकारी नेता थे। जब हमारी आजादी की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ये अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़े और खड़े हुए। आपको गर्व होना चाहिए कि ये आपकी धरती है, जिसने ऐसे नेताओं को पैदा किया जो सदियों पहले आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए लड़े, इतने बड़े साम्राज्य से लड़े, और जिन्होंने रास्ता दिखाया जो बाद में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने पकड़ा। तो जो आधार है हमारी आजादी का, जहां हमारी राजनीति की नींव डली, वो यही थी कि अपने अधिकारों के लिए, अपनी आजादी के लिए डट के लड़ो, अपना हक मांगो, अपनी आवाज उठाओ। वो हमारी राजनीति की नींव थी और उस नींव पर ही हमारा लोकतंत्र बना। हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमारी रक्षा करता है। आपने बहुत मंचों पे सुना होगा कि तमाम नेता आते हैं, संविधान की बात करते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि ठीक है, लेकिन इस संविधान का मेरे लिए क्या मतलब है? मेरे रोजमर्रा के जीवन में इस संविधान का क्या महत्व है? तो बात यह है कि यही संविधान आपको सारे अधिकार देता है। आपको वोट का अधिकार देता है, आवाज उठाने का अधिकार देता है, आंदोलन करने का अधिकार देता है, भोजन का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, आरक्षण का अधिकार देता है, आपको बचाकर रखता है और इस लोकतंत्र को बचाकर रखता है। कल अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, तो जब आपके लिए कोई संघर्ष या कोई संकट आपके जीवन में आता है, आप आवाज कैसे उठाओगे? जब आपको कुछ बदलाव चाहिए, तो आप उस बदलाव को लाएंगे कैसे? आज बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जनता के सामने। सबसे बड़ी समस्याएं महंगाई और बेरोजगारी। आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं? क्या ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं आज की, है कि नहीं? ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और आज वो जमाना नहीं रहा बहनों और भाइयों कि हम बच्चों को बड़े करते थे, जैसे ही बड़े हो जाते थे मजदूरी में या खेती में लगा लेते थे। आज वो जमाना नहीं है। आज जो बेरोजगार नौजवान खड़ा है, वो शिक्षित है, क्योंकि हर एक माँ बाप ने, हर एक परिवार ने, चाहे कितनी भी दूर दराज गांव का हो, चाहे कितने भी गरीब परिवार का हो, उन्होंने कोशिश की है कि अपना बच्चा शिक्षित बने, अपनी बेटी शिक्षित बने, ताकि अच्छा रोजगार मिले और भविष्य उज्जवल हो। ये सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं, आज आप चाहती हैं कि अपनी बच्चियां भी शिक्षित हो, ताकि खड़ी बड़ी होकर अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। आज वो जमाना नहीं है कि शिक्षित नहीं करते हम अपने बच्चों को। तो आज जितनी भी जनता, जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं, तमाम शिक्षित हैं। किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने एमएससी किया है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमें, हमारे देश में, पूरे विश्व भर में हमारा ही एक देश है जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है।
तो हमारी वर्कफोर्स भी बहुत मजबूत है। अगर इन सब नौजवानों को रोजगार मिलता तो हम मजबूती से चाइना जैसे देशों का मुकाबला कर पाते मैन्युफैक्चरिंग में और वर्कफोर्स में। आज वो परिस्थितियां नहीं है तो ये एक सबसे बड़ी हमारी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है आज? महंगाई। मेरी बहनें बैठी हैं, हर चीज महंगी हो गई है। सरकार की नीतियों ने जीएसटी डाल डाल कर आपकी कमर तोड़ दी है। आप आज दुकान जाती हैं, पांच चीजें खरीदने जाती हैं, उनमें से दो खरीद के वापस आएंगी। आज बच्चों की फीस देनी पड़ती है या कोई बीमार पड़ जाता है परिवार में, घबराहट होती है कि किस तरह से करेंगे। ऐसी समस्याएं जो पैदा हो जाती हैं गरीबी से, बेरोजगारी से, ऊपर से महंगाई भी है, किस तरह से आप सामना कर रहे हैं समझ में नहीं आता। हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। आप महिला हैं तो आप मजदूरी भी करेंगी, सब कुछ काम करने की कोशिश करेंगी, फिर भी आप घर आके काम करेंगी, घर में सबकी परवरिश करेंगी, सबका खाना देखेंगी, सफाई देखेंगी, सब कुछ आप देखती हैं, फिर भी आपको कोई राहत नहीं मिली है महंगाई से। आप किसान हैं तो आप खेती से कमाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर चीज पे जीएसटी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, हर तरफ से संकट ही संकट है। मिडिल क्लास के हैं तो ये नहीं है कि आपका जीवन भी बड़े आराम से चल रहा है, बेरोजगारी महंगाई का खूब इफेक्ट आपके जीवन पे भी है, आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जितने बड़े बड़े संस्थान थे, जितने सरकारी कारोबार थे जिससे एक स्थायी रोजगार मिलते थे, वो भी लगभग लगभग सारे आस्ते आस्ते करके अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने सौंप दिए हैं। तो रोजगार आएगा कहां से? आपने यहां, अपने यहां देखा है एचईसी का, किसी ने मुझे यहां आते आते बोला इसको बचाइए। कमजोर करके लगभग बंद होने के कगार पे है सारा।